Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार जैसा कि आप जानते भी हैं हम जो विषय डिस्कस कर रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि और इस विषय में ऑलरेडी कई मॉड्यूल हम लोगों ने कर लिया है और कई टॉपिक पे मैंने डिस्कशन आपके साथ कर दिया है जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ क्या किया था हम लोगों ने सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि यह ऐसी विधि है जो सिविल प्रोसीजर की बात करती है और जो ये भी बताती है कि कितने समय के अंदर आप सिविल वाद को संस्थित करेंगे सिविल न्यायालय में तो इसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका देखा था कि इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है इसमें तमाम सेक्शन आर्डर्स और रूल्स क्या हैं ये किस चीज की बात करते हैं फंडामेंटली ये किस चीज की बात करता है कानून तो इसको हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जोरिस्डिक्शन क्या है सिविल कोर्ट का जोरिस्डिक्शन क्या है कैसे इसको पता चलेगा कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्या है और दूसरा प्लेस ऑफ स्विंग का है कहां पर सूट इंस्टीट्यूट करेंगे ये बात है

डिक्री का एग्जीक्यूशन और जजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा अटैचमेंट से होगा अरेस्ट से होगा ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था तो इस तरीके से कई मॉड्यूल पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है अब आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर नवा है और नाइन्थ लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कमीशन ध्यान दीजिए कमीशन धारा पचहत्तर से लेकर अठहत्तर तक और आदेश छब्बीस तो ये कमीशन एक छोटा सा टॉपिक है सी सी के अंदर जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन कमीशन के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा और कमीशन के है ये भी बताऊंगा लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा ये मैं इसी स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले मैं इसमें लिख रहा हूं ध्यान दीजिए सिविल कोर्ट की जो आर्डर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होता है एंट्रीम आर्डर और एक होता है फाइनल आर्डर तो बहुत ऐसे आर्डर सीपीसी के अंदर हैं जिसको हम एंटरिम आर्डर बोलते हैं अंतरवर्ती आदेश बोलते हैं जो मुकदमा अभी पेंडिंग है उसके बीच में ही वो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो कमीशन भी एक एंटर आर्डर है तो हम लोगों को यह समझना है कि एंटरिम आर्डर क्या है अंतरिम आदेश क्या है ध्यान दीजिए तो अंतरिम आदेश अंतरिम आदेश तो देखिए सीपीसी के तहत कई अंतरिम आदेश हैं जैसे जैसे मैं आपको बताऊं अगर पहली बात आप करेंगे फर्स्ट पॉइंट तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट बिफोर जजमेंट ये है हमारे पास आर्डर थर्टी थ्री आर्डर थर्टी थ्री आदेश अड़तीस अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दूसरा अगर एंट्री मार्डर की आप बात करेंगे तो हमारे पास है टेंपरेरी इंजंक्शन टेम्परेरी इंजंक्शन जो आदेश 39 में है आदेश 39 तीसरे की आप बात करेंगे तो यह है रिसीवर रिसीवर जो आदेश 40 में है आदेश 40 इसी तरीके से जब आगे जाएंगे आप तो देखेंगे नेक्स्ट जो एंट्री मार्डर है ये है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ये आदेश 25 है आर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा पॉइंट नंबर फाइव जिसको हम बोलते हैं पेमेंट इनटू कोर्ट पेमेंट इन कोर्ट इसके लिए हमारे पास आदेश चौबीस है उसी तरीके से छठवां पॉइंट आप देखेंगे तो आपको एक कमीशन दिख जाएगा छठवां पॉइंट और इसी तरीके से सो सो ऑन एंड फोर्थ कई चीजें हैं ध्यान दीजिए तो ये जो अंतरिम आदेश है ना ये बहुत बड़ी बात है अंतरिम आदेश ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अंतरिम आदेश में कई आदेश सिविल कोर्ट दे सकती है और इसी अंतरिम आदेश के परिवार का एक सदस्य कमीशन है जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे तो कमीशन को डिस्कस करने के पहले मैं ये बता देना आपको चाह रहा हूं कि कितने अंतरिम आदेश हैं और ये जितने अंतरिम आदेश आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं सारे अंतरिम आदेश में मोटा मोटी क्या बातें हैं फिर कमीशन को हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे लेकिन पहले आप अंतरिम आदेश के केमिस्ट्री को समझें तो इसको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिए अब आप कमीशन डिस्कस करने के पहले अंतरिम आदेश ध्यान दीजिए तो अंतरिम आदेश क्या है एक होता है फाइनल आदेश एक होता है अंतरिम आदेश जो फाइनल आदेश है वो मामले के निस्तारण के समय होता है जैसे मान लीजिए मामला कंक्लूड हो गया पार्टी ने सूट फाइल किया दूसरे ने डिफेंस लिया एविडेंसेस सबमिट किए गए विटनेसेस गवाही उनकी हो गई कोर्ट ऑफला में और लास्ट में जो कोर्ट निर्णय करती है उसको हम फाइनल आर्डर बोलते हैं तो वो तो फाइनल आदेश है वो तो मामला खत्म हो गया दरवाजा उस मामले के लिए कोर्ट का बंद हो गया तो फाइनल आदेश है अंतरिम आदेश बीच बीच में हुआ करते हैं अभी मामला पेंडिंग है अभी मामला येट टू बी डिसाइडेड है उसके बीच बीच में कई अंतरिम आदेश हो सकते हैं जिसमें कमीशन भी उसका एक हिस्सा है तो कमीशन इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली तो में एक परिवार है उस परिवार का एक सदस्य है कमीशन अब कौन कौन पॉसिबल एंट्रीम ऑर्डर है सारे एंट्रीम ऑर्डर में नहीं बता पा रहा हूं लेकिन मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं जैसे एक है हमारे पास अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ये आर्डर थर्टी एट में जो स्क्रीन पे अभी मैंने कलम से लिखा था अगर आप देखे होंगे तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट आर्डर थर्टी एट अब ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में। डिस्पोज ऑफ कर देगा ऐसा लग रहा है ताकि अगर इसके खिलाफ निर्णय भी हो जाए तो कोर्ट इसको पकड़ ना पाए कोर्ट इसकी प्रॉपर्टी को अटैच ना कर पाए ऐसा लग रहा है तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट इस बंदे की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी कोर्ट इस बंदे को अरेस्ट कर लेगी तो बिफोर जजमेंट ध्यान दीजिए जनरली तो जजमेंट हो गया डिक्री पास हो गई डिक्री की अवहेलना कर रहा है डिक्री का पालन नहीं कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर लीजिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए जो पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वो तो एक तरीका है लेकिन वो जजमेंट के बाद का है? ये जो एंटरिम आर्डर है जजमेंट के पहले का है अभी जजमेंट होना है इसके पहले कोर्ट को महसूस हो रहा है कि ऐसा करेगा अपने भगेगा अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज आप करेगा तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट इसको अरेस्ट कर लेगी इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज आप कर, करने वाला है इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी अगर ये खुद भगने वाला है इसको अरेस्ट कर लेगी तो ये आर्डर थर्टी है कि मैटर अभी डिसाइड होने के पहले ही अरेस्ट एंड अटैचमेंट तो ये एक एंटरी है ये बीच में आदेश होता है मामला डिसाइड होने के पहले हो जाता है

सिविल कोर्ट के इंजंक्शन दो तरीके के होते हैं एक को हम बोलते हैं टेम्पर इंजंक्शन और एक को बोलते हैं कोई इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिखा हुआ है अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे ध्यान देंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्ट या तो एंट्रीम आर्डर दे सकती है या फाइनल दे सकती है एंट्रीम इंजंक्शन या फाइनल इंजंक्शन तो एंट्रीम इंजंक्शन के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बस इतना सी बात बोलता है कि एंट्रीम इंजंक्शन जो जारी होगा वो सीपीसी के आर्डर थर्टी के तहत जारी होगा बस

हमारी प्रॉपर्टी है और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया उस प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए हम कोर्ट में शूट फाइल करते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे ने कब्जा किया है वो क्या करेगा वो हमारी प्रॉपर्टी के नेचर और फीचर को चेंज कर देगा ऐसा हमको लग रहा है माने वो अगर हमारा घर है तो उसको अल्टर करके दूसरे तरीके का बना देगा स्कूल बना देगा उसमें या हमारा अगर वो प्लेन लैंड है तो उसको गड्ढा खोद देगा या इस तरीके का कुछ काम कर देगा ऐसे हमको लग रहा है क्योंकि मामला डिसाइड होने में तो टाइम लगेगा पोजेशन में तो उसके है अभी तो ये डिसाइड करेगी कोर्ट हमारी है कि उसके इन बिटवीन वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा चेंज कर देगा इस तरीके करेगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगा मैं कहूँगा जज साहब आप इसमें ना स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि अल्टीमेटली रियल ओनर तो मैं ही हूं उसका लास्ट में एंड ऑफ द डे में तो ये मामला हमारे फेवर में डिसाइड होगा तो आप इस इसमें स्टे ऑर्डर लगा दो स्टे आप आप अगर लगा देंगे स्टे ऑर्डर का ये मतलब होता है कि जब तक शूड डिस्पोज ऑफ नहीं होगा या जब तक टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इस प्रॉपर्टी के नेचर और फीचर में कोई परिवर्तन कोई भी पक्षकार नहीं करेगा खास करके वो पक्षकार जो इसमें कब्जे में है तो ऐसे पक्षकार को रोक दिया जाता है स्टे ऑर्डर से न तो सेल आउट करेगा ना बेचेगा ना मार्गेज पे रखेगा ना इसको गड्ढा खोदेगा ना इसमें घर बनाएगा जैसा है वैसा ही रखेगा इसको बोलते हैं स्टेटस को यथा स्थिति बरकरार रखा जाए कब तक जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्टे आर्डर इसी को हम कानून की भाषा में बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन ठीक है टेम्परेरी इंजंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण तो प्रावधान है सीपीसी के अंदर जैसे आप सीआरपीसी अगर पढ़ते होंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो जैसे बेल है तो बेल भी वहां बड़ा महत्वपूर्ण प्रधान प्रावधान है जो मुकदमा निस्तारण होने के पहले ही शुरू हो जाता है पार्टी को बेल मिलेगी नहीं मिलेगी अगर बेल आपने ग्रांट करवा दिया तो आप बड़े अच्छे एडवोकेट माने जाते हैं आपको कानून का बड़ा सफल ज्ञाता माना जाता है उसी तरीके से सिविल मामले में वो बंदा जो स्टे ग्रांट करवा देता है वो वकील जो स्टे ग्रांट करवा देता है उस वकील को हम अच्छा वकील मानते हैं क्योंकि भाई प्रॉपर्टी पर स्टे दिलवा दिया सिविल कोर्ट से अभी इस आर्डर थर्टी नाइन में तीन प्रिंसिपल काम करते हैं ध्यान दीजिएगा तीन सिद्धांत हैं एक सिद्धांत है प्राइमा फैसाई केस दूसरा सिद्धांत है इेपरेबल लॉस और तीसरा सिद्धांत है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ध्यान दीजिए तो प्राइमा फैसाई केस होना चाहिए इेपरेबल लॉस होना चाहिए और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ग्रुणी होना चाहिए अगर ये तीन बातें हैं तीनों सिद्धांत आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा ये स्टे टेम्परेरी इंजंक्शन का एंटरिम है अब ये तीनों सिद्धांत क्या है ध्यान दीजिए प्राइमा फैसाई केस जिस मामले में आप स्टे मांग रहे हैं ना उसमें प्राइमा फैसा केस होनी चाहिए दो लोगों के बीच में माने प्रथम दृष्टिया वाद बनता हो अगर प्रथम दृष्टिया वाद ही नहीं बनता है दोनों लोगों में तो फिर स्टे ऑर्डर का कोई क्वेश्चन नहीं है पॉइंट नंबर वन दूसरी बात यह है बैलेंस ऑफ इन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सुविधाओं का बैलेंस किसके तरफ है माने अगर ग्रांट कर दिया जाएगा तो जिसके फेवर में ग्रांट हुआ है उसको जो सुविधा होगी और जिसके अगेंस्ट ग्रांट हुआ है जो उसको असुविधा होगी उसकी असुविधा कम है इसकी सुविधा ज्यादा है असुविधा उसको हो सकती है लेकिन इसकी सुविधा उसकी असुविधा से ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सुविधाओं का भार किधर ज्यादा है जिधर सुविधाओं का भार ज्यादा होगा इससे उसी तरफ जाएगा ये एक प्रिंसिपल है इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्रिंसिपल तो सिविल कोर्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि जज साहब जब आप स्टे ऑर्डर ग्रांट करेंगे नो डाउट इस स्टे ऑर्डर से अपोजिट पार्टी को परेशानी होगी लेकिन इससे में जो मुझे बेनिफिट होगी हमारी बेनिफिट बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू उसका इनकन्वीनियंस तो इसलिए कन्वीनियंस हमारे तरफ लाई करता है इसलिए आप स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दीजिए तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और तीसरा प्रिंसिपल जो आप साबित करते हैं उसको बोलते हैं इेपेरेबुल लॉस ध्यान दीजिए इरेपरेबल लॉस माने ये जो लॉस होगा अगर आप स्टे ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं ग्रांट करेंगे तो ये जो घाटा मुझे होगा घाटा कैसा होगा इेपरेबल इन नेचर जिसको यू नॉट कंपनसेट थ्रू अमाउंट ऑफ मनी ठीक है ना तो इेपरेबल लॉस का मतलब यह होता है कि ऐसा घाटा जिसको आप पैसे के प्रतिपूर्ति देने से उसको पूरा नहीं कर सकते पैसे के कंपनसेशन से प्रतिकर से इसको पूरा नहीं कर सकते तो ऐसे घाटा को हम बोलते हैं इेपरेबल लॉस हमको वो प्रॉपर्टी ही चाहिए अगर एक करोड़ रुपया भी दिलवा देंगे तो चूंकि वो प्रॉपर्टी हमको गिफ्ट में हमारे फादर ने दिया था तो एक करोड़ रुपया आप हमको दिलवा देंगे तो ठीक है पैसा तो मिल गया लेकिन हमारी प्रॉपर्टी तो चली गई उस प्रॉपर्टी के साथ मेरे याद जुड़ी हुई है तो इसको पैसे से कंपनसेट नहीं किया जाए ये इमोशनल हमारा अटैचमेंट है तो हमको वो प्रॉपर्टी ही चाहिए तो इस दशा में अगर आप हमको पैसा भी दिलवाएंगे तो हमारा घाटा पूरा नहीं हुआ इसी को हम बोलते हैं इनरेपरेबल जिसको मनी से आप कंपनसेट नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ती है टेम्पररी इंजंक्शन में तो प्रॉपर्टी पे स्टे ग्रांट हो जाता है ठीक है ना तो ये भी एक एंट्रीम आर्डर है तो पहला एंट्रीम आर्डर हम लोगों ने देखा अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दूसरा हम लोगों ने देखा टेम्पररी इंजंक्शन इसी तरीके से जब आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा रिसीवर ध्यान दीजिए रिसीवर आर्डर फोर्टी आर्डर फोर जीरो रिसीवर रिसीवर का अपॉइंटमेंट आर्डर फोर जीरो रिसीवर का अपॉइंटमेंट भी अभी मामला निस्तारित नहीं हुआ है तभी होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था डिक्री एग्जीक्यूशन के समय कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे दो लोगों के बीच में विवाद है और उस प्रॉपर्टी में गेहूं का खेती लगा हुआ है दस हेक्टेयर की जमीन है और दो लोगों के बीच में विवाद है अब कुछ चूकी ये प्रॉपर्टी तो अभी डिसाइड होनी है कि किसकी है लेकिन ये दस एकड़ गेहूं का क्या होगा तो इसके लिए एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाएगा रिसीवर जो आर्डर फोर्टी में है अपॉइंट कर दिया जाएगा इस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा यह फल फसल की प्रोसीड को लेगा इसको बेचेगा कोर्ट में जमा करेगा इसका लेखा जोखा तैयार रखेगा इसमें अगर कुछ इनकन्वीनियंस इधर उधर करता है बाएं करता है तो कोर्ट इसको पकड़ेगी भी इसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके वो सारे जो भी घाटा घोटाला किया है इसको रियलाइज कर लिया जाएगा इसकी ड्यूटी है इसकी रेमोनरेशन है इसके कर्तव्य है तो ये हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में वैसे तो ये भी एक कंट्रीम ऑर्डर है जो इन बिटवीन पेंडेंसी सिविल कोर्ट में इशू दिस ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अंडर ऑर्डर फोर्टी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो इस तरीके से पहला जो एंट्री में था वो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है दूसरा टेपर इंजंक्शन तो दूसरा जो है एंट्री में था वो इंजंक्शन है एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर तीसरा जो, तीसरा जो, तीसरा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है इसी तरीके से आगे, आगे आप जाएंगे तो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट आपको दिखेगा सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट खर्चे के लिए सिक्योरिटी ये आर्डर 25 में है अब जैसे मान लीजिए आप सूट फाइल करते हैं किसी के प्रॉपर्टी के खिलाफ तो जब आप सूट फाइल करते हैं और जिसके खिलाफ फाइल करते हैं वो ऐसा बंदा है जो जनरली भारत में नहीं रहता वो बाहर रहता है और उसकी कोई भी चल और अचल संपत्ति भारत में नहीं स्थित है तो ऐसे बंदे के खिलाफ जब आप सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट उससे को बुला के ये कहती है कि भाई आप एक सिक्योरिटी फर्निश करो कि जो भी मामला ये निस्तारित होगा उस पर आप बात दे करेंगे और सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मनी आप फर्निश करो अगर मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा तो आपको पालन करना पड़ेगा आप पालन कर दोगे तो ठीक है नहीं पालन करोगे तो जो सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी से हम उस बंदे को जिसके फेवर में डिसाइड हो गया आपके खिलाफ उसको हम इसी पैसे से पैसेफाई करवाएंगे उसके फ्रूट को सेटिस्फाई करवाएंगे तो इसको करते हैं कहते हैं सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट तो खर्चे के लिए सिक्योरिटी जमा करना जो भी उसका खर्चा हुआ है आप नहीं जमा करेंगे तो कहां से कोर्ट पाएगी चूंकि आप बाहर रहते हैं आपकी कोई प्रॉपर्टी भारत में स्थित नहीं है तो आप ऐसा काम करें तो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट आगे है, एक देखेंगे, court, 24, court, में जमा करना तो बहुत ऐसी न्यायालय उसको न्यायालय के बीच में जमा करवा देती है मैटर इज एट टू बी डिसाइडेड और लास्टली अगर देखें इसमें लास्टली नहीं लास्ट द लिस्ट कमीशन जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का जिसमें सेक्शन पचहत्तर से अठहत्तर और आदेश छब्बीस की बात है तो ये कमीशन है तो कमीशन भी एक एंट्री आर्डर है तो इसी तरीके का एंट्री आर्डर है अब आपको समझ में आ गया होगा एंट्री आर्डर का बैकग्राउंड कि एंट्री आर्डर क्या है तो एंट्री आर्डर इस तरीके के नुमरस हो सकते हैं सी के अंदर कुछ जो प्रामिनेंट एंट्री आर्डर है उसकी व्याख्या मैंने आपके पास किया और इसी में एक कमीशन है तो अब हम लोग कमीशन के तरफ चलते हैं जो हम लोगों का टॉपिक आप डिस्कशन है लेकिन इतना आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि कमीशन जो है ये एंट्रीम आर्डर फैमिली का एक सदस्य है जैसे अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है जैसे टेम्पर इंजंक्शन है जैसे सिक्योरिटी फॉर कास्ट है जैसे पेमेंट इन टू कोर्ट है जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है उसी तरीके से कमीशन भी है तो कमीशन के बारे में अब आगे हम लोग जानते हैं तो अब आप नेक्स्ट स्लाइड में चलें देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में सारे सेक्शन जो है कमीशन से संबंधित आदेश छब्बीस का आर्डर ट्वेंटी सिक्स का आर्डर ट्वेंटी सिक्स तो 26 के ये सारे आर्डर 26 और सारे इतनी धाराएं ये सारे हैं एक साथ ठीक है ना तो आदेश 26 में तो जो रूल्स हैं वो तो है ही हैं ये तो रूल्स हैं ही इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी यहां पे मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन ये सारी धाराएं हैं देखिए धारा सेवेंटी फाइव कमीशन की न्यायालय की शक्ति धारा छिहत्तर अन्य न्यायालय को कमीशन धारा सतहत्तर अनुरोध पत्र और धारा अठहत्तर विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए समन तो ये चार तरीके के कमीशन की बात की गई है इन सारी धाराओं में अब ध्यान दीजिए हम लोग एक एक धारा की व्याख्या करेंगे अब कमीशन क्या है थोड़ा सा कमीशन भी मैं आपको पहले बता दूं फिर एक एक धारा पे हम आते हैं कमीशन क्या है ध्यान दीजिए धारा पचहत्तर धारा छिहत्तर धारा सतहत्तर धारा अठहत्तर और आदेश छब्बीस कमीशन कमीशन ये है जैसे मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कोर्ट उसको देखती है देखने के बाद कोर्ट को यह नहीं पता चलता है कि आखिर यह प्रॉपर्टी एक्स की है कि वाई की है हालांकि ये दोनों कोर्ट में गए हैं 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 किसकी है हालांकि एविडेंस सबमिट सबमिट किए विटनेसेस भी करते लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है इवन उन लोगों ने सारे चीज सबमिट को किए सबमिट भी किया है सबको देखने के बाद ये कोर्ट को कायदे से पता नहीं चलता है अब कोर्ट क्या करेगी कोर्ट एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेगी ये एडवोकेट्स भी हो सकते हैं ये कोई भी हो सकता है कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकता है वो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट अपॉइंट करती है जब कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा तो कोर्ट कमिश्नर क्या करेगा वो मौका मुआयना करेगा प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाएगा जाकर के चीजों को देखेगा देख करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट ले आकर जज साहब को दे देगा तो इस रिपोर्ट के आधार पर जस्ट साफ को क्लू जरूर अब ऐसा नहीं है कि कमीशन का जो रिपोर्ट आ गया उसके आधार पर जजमेंट हो जाएगा लेकिन एक तरीके से एविडेंस का काम करेगा कोर्ट को असिस्ट करेगा चीजों को डिटरमाइन करने के लिए क्योंकि जो एविडेंस और विटनेसेस सबमिट किए गए थे उससे कोर्ट को बड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ये एक तरीके से क्लैरिटी प्रोवाइड कर देगा कहेगा कि अच्छा ऐसी बात है तो लग रहा है ये प्रॉपर्टी एक्स की है कि वाई की है अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तैयार हो जाती है कभी कभी इसका बड़ा मिस यूज भी होता है इस कमीशन में जो लोग जाते हैं वो बड़े नियर डियर हैं मान लीजिए किसी पार्टी का तो उस पार्टी के नियर डियर है मान लीजिए एडवोकेट पॉइंट हो गया कमिश्नर एडवोकेट जो है एक पार्टी का रिश्तेदार है मान लीजिए ऐसा हो गया तो अपने रिश्तेदार के फेवर में ये सारी रिपोर्ट बना देगा या अगर रिश्तेदार नहीं है लेकिन पैसे का कोई मामला आया वो कह देंगे चलिए कमिश्नर साहब इतना पैसा ले लीजिए और ये लिख दीजिए सारी प्रॉपर्टी हमारी है तो उसके लिए भी लिख देंगे इसलिए इसको बहुत ज्यादा हम ये नहीं मानते कि इसी के आधार पर निर्णय हो जाएगा लेकिन यह कि एक तरीके से जरूर एक स्टेप तो हो ही जाता है कि भाई कमिश्नर अगर जाके इनके फेवर में लिखा है तो क्यों नहीं ये माना जाए कि ये नहीं किया है तो ये थोड़ी सी बात है हालांकि इसका मिस बहुत होता है क्योंकि ह्यूमन नेचर का एरर तो हर जगह हो सकता है ह्यूमन नेचर आर फॉलेबल तो सिंस ह्यूमन नेचर आर फॉलेबल कमिश्नर में ऑल्सो भी फॉलेबल तो एक तरीके से ये बात है इसलिए इसको कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए इनके एविडेंस को एविडेंस नहीं मानना चाहिए लेकिन यह है कि एक स्टेप है मामले को निस्तारित करने के लिए और मामले के में सही और झूठ का पता लगाने के लिए ठीक है ना तो ये है कमीशन का कॉन्सेप्ट जो इतने प्रावधान है अब एक-एक प्रावधान को हम लोग कानूनी रूप से डिस्कस करेंगे अब आप देखिए एक धारा है हमारे पास सबसे पहली धारा 75 देखिए धारा 75 कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति धारा 75 धारा 75 में कई बातें हैं ध्यान दीजिए धारा 75 में कई बातें हैं जैसे 2 एग्जामिन पर्सन मैं एक-एक चीजों को अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 एग्जामिन पर्सन इसमें है हमारे पास रूल एक से लेके आठ तक आर्डर छब्बीस का दूसरा कमीशन जो निकाला जाता है वो किस चीज के लिए निकाला जा सकता है वो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन इसके लिए हमारे पास रूल नौ और दस है इसी का आदेश छब्बीस का रूल नौ और दस इसके बाद तीसरी जो बात है वो क्या है वो है एडजस्ट अकाउंट एडजस्ट अकाउंट एडजस्ट अकाउंट इसके लिए हमारे पास रूल ग्यारह और बारह यह भी आदेश छब्बीस में ही है आदेश छब्बीस का रूल ग्यारह और बारह नेक्स्ट इसमें जो बात है वो है टू मेक पार्टीशन टू मेक पार्टीशन बंटवारा के लिए इसके लिए भी हमारे पास रूल है रूल तेरह और चौदह रूल तेरह और चौदह यह भी आदेश छब्बीस का है रूल तेरह और चौदह इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट यह है साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक टेक्निकल टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए हमारे पास है रूल दस सी दस सी ऑफ आर्डर छब्बीस आर्डर छब्बीस का ही इसके बाद एक और पॉइंट है टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ऑफ नेचुरल डीके सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल डीके इसको भी मैं आपको बताऊंगा यह है दस ए रूल दस ए आर्डर छब्बीस का नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है कि फॉर मिनिस्टेरियल एक्ट मिनिस्टेरियल मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए हमारे पास है रूल दस बी ऑफ ऑर्डर छब्बीस मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए तो इसके लिए भी कमीशन निकाला जा सकता है तो अब जो आप इस पे देखेंगे इस स्क्रीन पे इस समय की धारा में क्या लिखा हुआ है न्यायालय कमीशन जारी कर सकती है किस किस चीज के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है टू एग्जामिन पर्सन टू एग्जामिन पर्सन के लिए जो प्रक्रिया हमारे पास है वो रूल एक से लेके आठ तक है आर्डर छब्बीस में तो हम इस सेक्शन के साथ साथ ऑर्डर छब्बीस भी कर देंगे इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड जिसके लिए कमीशन निकाला जा सकता है वो है लोकल इन्वेस्टिगेशन ये रूल नौ और दस है प्रॉपर्टी का लिए. लिए पार्टीशन करना है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी कई हिस्सेदार हैं तो पार्टीशन के लिए कमीशन निकाला जा सकता है इसके लिए रूल तेरह और चौदह है आर्डर छब्बीस का इसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन निकाला जा सकता है इसके लिए हमारे पास रूल दस कैपिटल सी है आर्डर छब्बीस में इसके बाद हमारे पास है सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल डिके इसके लिए भी कमीशन निकाला जा सकता है इसके लिए रूल दस कैपिटल ए है आर्डर छब्बीस का और लास्टली हमारे पास है मिनिस्टीरियल एक्ट जिसके लिए रूल दस बी है आर्डर छब्बीस का तो ये सारी बातें हैं धारा पचहत्तर में जिसके लिए सिविल कोर्ट कमीशन निकाल सकती है अब एक एक करके हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे और मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर फर्स्ट कमीशन में भी कोर्ट टू एग्जामिन पर्सन इसका क्या मतलब जो रूल एक से लेकर आठ तक आदेश छब्बीस में वर्णित है तो टू एग्जामिन पर्सन अब एग्जामिन पर्सन का क्या मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसका एग्जामिनेशन जिसका डिपोजिशन जिसका क्वेश्चन और उत्तर कोर्ट में बहुत जरूरी है क्योंकि वो मामले से परिचित है और उसको कोर्ट में बुला करके उसको एग्जामिन करना जरूरी है लेकिन वो बंदा ऐसा है जो भारत के बाहर रहता है अगर उसको हम बुलाएंगे तो बड़ा पैसा खर्च होगा तब क्या होगा या वो बंदा ऐसा है जो भारत के अंदर ही रहता है लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है अगर उसको हम कोर्ट में बुला करके एग्जामिन करने लगे तो कोर्ट की जो वैल्यूएबल टाइम है वो बर्बाद हो जाएगी मूल्यवान समय कोर्ट का बर्बाद हो जाएगा तो अगर वो बंदा भारत का रहने वाला ही है भारत के अंदर ही है वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है तो जनरली उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन नहीं इशू किया जाता है जनरली उसको बुला ही लिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें कोर्ट उसके लिए भी एग्जामिन कर देगी अगर फेयर डिस्पोजल के लिए उसका इंट्रोगेटरी के द्वारा एग्जामिनेशन आवश्यक है प्रश्न पत्रों के द्वारा तो प्रश्न परिप्रश्नों के द्वारा उसका एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा करा लेगी कोर्ट तो वो भी है लेकिन जनरली जो जुरिस्टिक्शन में है जिसके आने से कोई पब्लिक फंक्शन नहीं है पर होगा तो उसको बुला ही लिया जाता है उसके लिए कमीशन नहीं इशू किया जाता है क्योंकि तो कमीशन का आप इशू करेंगे तो कमिश्नर अपॉइंट होगा कमिश्नर का खर्चा होगा वो खर्चा वही बंदा देगा जो कि जो कि अप्लीकेशन दिया हुआ है कमीशन अपॉइंट करने के लिए तो बड़ा खर्चा उर्चा भी इसमें हो जाता है इसलिए कोर्ट इसको जनरली इसी मामले में कर दिया जहाँ पे व्यक्ति को न्यायालय में न बुलाया जा सके तो उस दशा में ऐसे कर देते हैं अगर अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को एग्जामिन करना जरूरी है वो अमेरिका में रहता है तो अब उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा तो अब कमिश्नर अपॉइंट करके होगा अगर वो दूसरे स्टेट में रहता है अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके होगा अब ध्यान दीजिए कोर्ट कमिश्नर जो जाएगा उसको कैसे एग्जामिन करेगा तो इसमें दो बातें हैं विद इंट्रोगेटरीज विदाउट इंट्रोगेटरीज कभी कभी कोर्ट खुद इंट्रोगे फ्रेम करके देती है कि फला फला प्रश्न का जवाब आप उनसे लेके आइए क्योंकि हमारे मामले के निस्तारण के लिए इन्हीं प्रश्नों का जवाब आवश्यक है तो अगर इंट्रोगेटरीज ऑलरेडी कोर्ट ने उसको सबमिट कर दिया है परिप्रश्नों को तो इंट्रोगेटरी लेके जाएंगे कमिश्नर साहब और उसी तक कन्फाइंड रहेंगे लेकिन कभी कभी कोर्ट इंट्रोगेटरी नहीं देती है तो कहती है कमिश्नर साहब आप उसको एग्जामिन करें मामला यही है और इसमें आप पता लगा के आए कि उसका क्या कहना है तो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें कमिश्नर कुछ भी पूछ सकता है रिकॉर्ड कर सकता है बना सकता है और आके कोर्ट को सबमिट कर सकता है तो टू एग्जामिन पर्सन में यह बात है इधर थ्रू इंट्रोगेटरीज और विदाउट इंट्रोगेटरीज लेकिन इसमें ये जरूर है कि किसको जाएगा ये कमीशन वही बंदा जो बाहर है जिसको बुलाया नहीं जा सकता जिसको से पब्लिक फंक्शन होगा ऐसे बंदे को जनरली जो पर्सन ऐसा है इन टेरिटरी ऑफ इंडिया उसके लिए कमीशन नहीं इशू होता लेकिन कभी कभी कोर्ट उसके लिए भी कमीशन इशू कर सकती है क्योंकि स्पीडी और इजी डिस्पोजल के लिए कर सकती है ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है कि करना ही नहीं है तो ये था टू एग्जामिन पर्सन पॉइंट नंबर वन रूल एक से लेकर आठ तक अब दूसरा है फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है रूल नौ और रूल दस फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन ध्यान दीजिए अब लोकल इन्वेस्टिगेशन ये जो रूल नौ और दस है आर्डर छब्बीस का ये क्या है लोकल इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा ये प्रॉपर्टी हमारी है कि उनकी है ऐसा झगड़ा हो गया कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेगी कहेगी भाई आबादी लैंड है आबादी लैंड का कोई नक्शा नहीं होता इसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड होता तो पता चल जाता है इसकी लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है किसके नाम से है इसका इसके ईस्ट में क्या है इसके वेस्ट में क्या है सब पता चल जाता है लेकिन चूंकि ये रेवेन्यू लैंड नहीं है एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है जिसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है तो पता नहीं चल रहा है आबादी लैंड का ये आखिर इनकी है कि इनकी है तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट कमिश्नर जाएगा प्लेस ऑफ अकरेंस में और जाकर के वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करेगा और लोकल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट तैयार करेगा अब रिपोर्ट तैयार करके ले आके कोर्ट में सबमिट कर देगा तो ये कमीशन की रिपोर्ट भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट के रूप में हो जाएगी कोर्ट के पास और कोर्ट जजमेंट लिखेगी अगर उसके पास और एविडेंसेस नहीं है तो इसको भी साइट कर सकती है अपने जजमेंट के सपोर्ट में तो इसको हम बोलते हैं कमीशन लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अब इसमें भी बड़ा लोचा है मैं आपको बताऊं मैं एक पर्सनल आपका आपको एक एग्जाम्पल और एक अनुभव अपना बताऊँ हमारी ही एक लैंड थी है भी अभी वो मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है मैं बता रहा हूँ आपको आबादी लैंड है हमारे दरवाजे की का की बात है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी की बात है देहात एरिया में तो आबादी लैंड है वो आबादी लैंड में वो पूरी ज़मीन बचपन से मैं देख रहा हूं मेरी भी लगभग 45 साल 40 साल उम्र होने जा रही है तो 40-45 साल से मैं ये देख रहा हूं कि वो जमीन हमारे पास है हमारे कब्जे में है और वहाँ पे हम लोग खेलते हैं कूदते हैं वहाँ पे ईंट रखते हैं मिट्टी रखते हैं वहाँ पे कभी पशुओं को भी खिलाया जाता था वहाँ पे कभी पंप और ट्यूबवेल और चापाकल भी लगी रहती थी कुआं भी है उसमें इस तरीके की बातें थी अब चूँकि गांव में कम लोग रहते हैं तो मिसयूज है उसमें कुछ होता नहीं है लेकिन इस तरीके की बातें मैं देखा वो हमारे ही कब्जे में थी और थी और आज भी है अब हुआ क्या जो पड़ोसी हैं हमारे उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया चूंकि उन्होंने देखा कि इनके घर सारे नौकरी करने वाले हैं बाहर हैं तो रुको इस जमीन पर एक बार मुकदमा करके अजमाते हैं पता नहीं हम ही जीत जाए तो उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया और वो कहते हैं सिविल कोर्ट में यह जमीन हमारी है अब चूंकि रिकार्ड तो किसी के पास नहीं है क्योंकि आबादी लैंड है न तो हमारे नाम से है ना उनके नाम से हाँ ये कि हमारे कब्जे में बहुत दिन से है उनके कब्जे में कभी से नहीं है लेकिन यह है कि वो झूठ मूठ के मुकदमा दाखिल किया जब मोटर मुकदमा उन्होंने दाखिल किया तो उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया कमीशन के लिए और जब कमीशन अपॉइंट हुआ तो कमीशन में एक कमिश्नर अपॉइंट हो गए एडवोकेट कमिश्नर संजोग से वो जो हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने मुकदमा दाखिल किया था उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो उस कोर्ट में एडवोकेट है तो वही उसमें कमिश्नर बन गए ध्यान दीजिए अब कोर्ट को तो नहीं पता कि भाई एडवोकेट इनके ब्रदर इन लॉ हैं कोर्ट ने उनको कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और वो आ गए मौका मुआयना करने ये बहुत पहले की बात है करीब बीस पच्चीस साल हो गया मैं आपको बताऊँ हम लोग भी छोटे थे तब की ये बात है अभी भी मामला पेंडिंग है तो वो क्या हुआ जब वो आए कोर्ट कमिश्नर के रूप में तो उन्होंने उसको इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद उन्होंने ऐसे प्रिटेंट किया जैसे लग रहा है कि हमारे पड़ोसी की है ऐसे लिखा उन्होंने उनका उसमें दिखा रहे हैं कि विंडो बड़ी बड़ी खुली है ऐसा दिखा रहा है जैसे वही उसमें निकलते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है उसमें हमारा दरवाजा खुलता है उसमें हमारे निकास हैं उसमें वो कुआं जो है हमारे घर से एकदम सटा हुआ है उसका चबूतरा हमारे न्यू से सटा हुआ है अगर प्राइमा फैसाई आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारी ही है लेकिन कमीशन की रिपोर्ट ऐसा उन्होंने बनाया है कि जब कमीशन की रिपोर्ट आप देखेंगे तो लगेगा कि हमसे वो थोड़ा दूर है हमारे पड़ोसी के बड़े नज़दीक है और ऐसे रिपोर्ट सबमिट करके उन्होंने दे दिया कोर्ट में तो अब कोर्ट में देने के बाद जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कोर्ट देखेगी तो कोर्ट को तो मुकदमा किया है उस पर अपोजिट पक्षकार का कोई लेना देना नहीं है उसका बैक साइड है उसके घर का उसका फ्रंट दूसरे तरफ है तो कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है ताकि कोर्ट कमिश्नर को प्लेस ऑफ अगरेंस पे जाएगा मामले का पता लगाएगा रिपोर्ट सबमिट करेगा और अकॉर्डिंगली मामले का निस्तारण होगा लेकिन इस प्रोसीजर का अगर कायदे से ड्यू पालन नहीं हुआ तो बड़ा इसमें वो भी हो जाता है ये बड़ा मतलब आपको बताऊं कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि एक की जमीन दूसरे के फेवर में डिसाइड हो जाएगी और किसी की जमीन दूसरे के फेवर में डिसाइड हो जाने से वो जमीन तो देगा नहीं क्योंकि फिर वहाँ पर मार्ग कतला और बलवा हो जाएगा क्योंकि भाई हमारी जमीन केवल डिसीजन से आप थोड़े ले लेंगे पीढ़ियों से अगर हम उसको रखे हुए हैं तो हम थोड़े आपको दे देंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा नहीं, का ये मतलब है कि प्रोसीजर तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन बड़ा दूसरे तरीके का हो जाता है कभी कभी तो ये मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बता रहा हूं ये भी इसमें चलता है लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता तो लोकल इन्वेस्टिगेशन से चीजें क्लियर हो जाती हैं ठीक है ना तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए रूल नौ और दस आगे आप देखिए आगे आप देखेंगे स्लाइड पे अगर टू एडजस्ट अकाउंट इसके लिए रूल ग्यारह बारह है आर्डर छब्बीस का टू एडजस्ट अकाउंट ये क्या मतलब है ध्यान दीजिए मान लीजिए कोई कंपनी है मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है मान लीजिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो चार लोग मिलकर के चला रहे हैं कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हो गया दोनों लोगों के बीच में या चारों लोगों के बीच में तुम इतना पैसा लोगे हम इतना पैसा लेंगे इतनी प्रॉफिट आ रही है कहां जा रही है मान लीजिए झगड़ा हो गया अब झगड़ा हो गया मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लीगल फॉर्म है वो बंद होने के पोजिशन में आ गया जब बंद होगा तो अब झगड़ा होगा कि भाई इसका एसेट बिकेगा पूरा एसेट बिकेगा कितने का बिकेगा कितनी प्रॉफिट अभी तक रह रही है और कितनी इसकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी काट करके जो प्रॉफिट बचेगी और जो एसेट बेच करके जो पैसा मिलेगा वो अकॉर्डिंगली सब में बंटवारा होगा अब किस पार्टनर को कितना मिलेगा किसका कितना शेयर था अब ये सब करने के लिए कोर्ट को जरूरी है कि कोर्ट इसको जाने कि यह कैसा बिजनेस था इसमें किसका कितना हिस्सा था किसका कितना प्रॉफिट में हिस्सा था इस सब के लिए कोर्ट क्या करेगी कमीशन अपॉइंट कर देगी टू एडजस्ट अकाउंट तो इसके लिए हमारे पास रूल 11 और 12 है छब्बीस बताया गया है तो वहां कमिश्नर जाएंगे जाकर के डॉक्यूमेंट देखेंगे जो बुक ऑफ अकाउंट रखा होगा वो सब देखेंगे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सारा जो बना होगा बाई लाज जो उसके बने होंगे वो सबको देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें मिसमैनेजमेंट भी देखेंगे और इसमें लिफ्टिंग ऑफ वेल थ्योरी को अपनाते हुए जो कार्पोरेट लाइबिलिटी है इसको भी देखेंगे और सारा देखने के बाद जो लीगल प्रिंसिपल है वो बताएंगे कौन कितने के लिए और कितना के लिए इंटाइटल्ड है इसका पूरा एसेट कितना है सारा कुछ तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है जाकर के वो आ, ये करता है एडजस्ट अकाउंट करता है ठीक है ना तो ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें कमीशन अपॉइंट होता है आगे अगर आप स्लाइड में देखेंगे जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है टू मेक पार्टीशन ध्यान दीजिए बंटवारे के लिए टू मेक पार्टीशन इसके लिए रूल तेरह और चौदह आर्डर छब्बीस का टू मेक पार्टीशन अब जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है और उस संपत्ति में कई हिस्सेदार हैं अब सारे हिस्सेदारों के बीच में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है अब ये मानिए पीढ़ियों की संपत्ति है और पांच छह पीढ़ी हो गई अब छठवीं पीढ़ी में बंटवारा होने जा रहा है मान लीजिए ऐसा है तो छठवीं पीढ़ी में बंटवारा होने जा रहा है तो अब पता नहीं किसका शेयर कितना है छठवीं पीढ़ी तक आते आते अब ऊपर से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले दो थे दो से चार हुए चार में से एक का कोई नहीं रहा एक का पांच हो गया तो जिसका कोई नहीं रहा या जिसका एक रहा उसको तो उतना शेयर मिलेगा इस पांच को उतना में से ही पांच बटेगा कहने का ये मतलब है कि अगर बड़ी परिवार है बड़ी प्रॉपर्टी है और पार्टीशन में कॉम्प्लिकेशन है तो और कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कौन कितने का शेयर है पूरी प्रॉपर्टी में और मान लीजिए जगह प्रॉपर्टी है 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 तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसका 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 नाम है, किस में किस का, किस का नाम नहीं किसको किसके पूर्वजों ने बनाया था किसको किसके पूर्वजों ने बनाया था मैंने तो कई चीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो इसमें कोर्ट ऑफ लॉ क्या करती है कमीशन अपॉइंट कर देती है कोर्ट कमिश्नर जाएगा सारी प्रॉपर्टी का सारे इनके फैमिली बैकग्राउंड को देखेगा देखने के बाद वो निर्धारित करेगा कि फला प्रॉपर्टी में किसका कितना शेयर फला प्रॉपर्टी में आज के डेट में किसका कितना शेयर एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट बना करके ले आके कोर्ट को देगा अब कोर्ट उससे थोड़ा सा कोर्ट को सहायता मिलेगी इसी के आधार पर निर्णय नहीं होगा लेकिन कोर्ट इससे थोड़ा सहायता लेगी पार्टीशन करने में तो कॉम्प्लिकेटेड पार्टीशन इशू में कोर्ट में अपॉइंट कोर्ट कमिश्नर टू लुक आफ्टर द मैटर एंड सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके लिए हमारे पास है ये सारे रूल टू मेक पार्टीशन जिसमें हमारे पास रूल रूल तेरह और चौदह है अब अगली स्लाइड आप जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन इसके लिए भी कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें रूल दस कैपिटल सी है आर्डर छब्बीस का देखिए जो मैं हाथ से लिखा हुआ रूल दस कैपिटल सी आर्डर छब्बीस साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन बहुत ऐसे सिविल मामले हैं जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टीशन के लिए कमीशन इशू हो सकता है पार्टीशन के लिए बंटवारे के लिए तो हम लोगों ने देखा अगर कॉम्प्लिकेटेड पार्टीशन का इशू है तो इसमें कमीशन जारी कर दिया जा सकता है ठीक है ना तो इसमें हमारे पास है रूल थर्टीन फोर्टीन आर्डर छब्बीस अब आगे हमारे पास है साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन रूल टेन कैपिटल सी आर्डर छब्बीस साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ध्यान दीजिए साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि कोई साइंटिफिक मैटर इन्वॉल्व है सिविल केस में कोई टेक्निकल मैटर इन्वॉल्व है सिविल केस में या किसी एक्सपर्ट की जरूरत है सिविल मामले में जैसे मान लीजिए एक वसीयत हुई है मैं एक उदाहरण देता हूं एक वसीयत हुई है वो वसीयत एक्स ने किया है वाई के फेवर में और करके वो मर गया क्योंकि वसीयत तभी लागू की जाएगी जब करने वाला मर जाएगा टेस्ट आटर मर जाएगा तब वसीयत लागू होगी तो विल कर दिया उसने अब वाई जो है वो रहा है ये वसीयत एक्स ने मेरे फेवर में किया है क्योंकि वो दिखा रहा है देखिए एक्स ने किया है एक्स का साइन है सील है सिग्नेचर है सब कुछ है अब दूसरा आदमी जो एक्स का नियर जो है वो कहता है नहीं नहीं एक्स की सिग्नेचर नहीं है तो एक्स के सिग्नेचर को लेकर झगड़ा है दोनों के बीच में कि ये ये तो विल एक्स एक्स ने किया ही ही नहीं है क्योंकि ये X का साइन नहीं है एक्स का साइन तो दूसरे तरीके का है अब एक्स की साइन है कि नहीं है इसको डिसाइड करने के लिए क्या होगा एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होगा एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा तो एक्सपर्ट के रूप में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा और एक्सपर्ट जाएगा जो जो सिग्नेचर का जानकार है वो देख करके हैंडराइटिंग बता देता है सिग्नेचर बता देता है तो एक्सपर्ट जाएगा वो देखेगा, और देख करके बताएगा उनकी सिग्नेचर है कि नहीं है और उसकी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली कोर्ट में ध्यान में रखी जा सकती है एविडेंस नहीं हो जाएगा लेकिन कोर्ट में ध्यान में रखी जा सकती है तो ये एक एग्जाम्पल है इसका एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन तो साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन इज सिविल इसके लिए भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है कोर्ट कमिश्नर हमेशा लॉ का आदमी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोर्ट कमिश्नर कोई भी हो सकता है जैसे इस मामले में देखिए

जो सड़ जाएगा कुछ दिन के जैसे मान लीजिए सेव का बगीचा है जैसे मान लीजिए आम का बगीचा है और उस आम के बगीचे पे ही झगड़ा है दो लोगों के बीच में तो आम के बगीचे पे झगड़ा है अब यह बगीचा हमारा है कि उनका है लेकिन 500 पेड़ उसमें आम लगा हुआ है अभी 500 पेड़ में आम के बहुत ज्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं अब क्वेश्चन ये है, है कि भाई बगीचा तो डिसाइड होगा ना हमारा है कि उनका है लेकिन ये फल का क्या होगा और अगर ये फल देने देर नहीं डिसाइड होगा तो ये तो सड़ जाएगा कुछ दिन में गिर के सड़ जाएगा सब बेकार हो जाएगा तो नेचुरल डीके की चीज है इसको सेल आउट करना है तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसको कैसे सेल आउट किया जाए तो इसमें भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है कमिश्नर के देख रेख में सारे आम के फल तोड़वाए जाएंगे इसका विक्रय किया जाएगा जो भी पैसा मिलेगा वो कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा और फिर जिसके फेवर में डिसाइड होगा उसको दे दिया जाएगा तो इसके लिए भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल डी और लास्टली अगर आप देखेंगे तो लास्टली है टेन बी जिसमें मिनिस्टीरियल एक्ट फॉर मिनिस्टीरियल एक्ट कोर्ट कमिश्नर में भी अपॉइंटेड तो मिनिस्टीरियल एक्ट में लेखा जोखा का मामला है क्लिकल और एथमेटिकल कैलकुलेशन की बात है उसके लिए भी मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए भी चूंकि उस तरीके के लोगों की लेखा जोखा की जरूरत है जोड़ घटाव की जरूरत है गुणा भाग की जरूरत है तो उसमें उस तरीके के लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि थोड़ा आप गुणा भाग करके देखें इसमें क्या आ रहा है इसका आंसर तो उस तरीके से मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है तो ये धारा पचहत्तर थी जिस धारा पचहत्तर में बताया गया है और विद हेल्प ऑफ ये सारे रूल्स ऑर्डर छब्बीस तो इससे पता चल जा रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कोर्ट कमिश्नर क्यों अपॉइंट किया जाता है तो कोर्ट कमिश्नर इस चीज के लिए अपॉइंट किया जाता है धारा पचहत्तर अब हम आते हैं अगर आप स्क्रीन पर जाएंगे तो अब हम आते हैं धारा छिहत्तर जो दूसरा अन्य न्यायालयों को समन ये जो आप देख रहे हैं अन्य न्यायालयों को कमीशन धारा छिहत्तर अन्य न्यायालयों को कमीशन ठीक है मैं सबको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं अन्य न्यायालयों को कमीशन अन्य न्यायालय का मतलब मान लीजिए वो प्रॉपर्टी है वो सेचुएट करती है दूसरे राज्य में दूसरे राज्य में सेचुएट करती है तो उस प्रॉपर्टी के लिए कमीशन अपॉइंट करना है उस प्रॉपर्टी के लिए कमीशन अपॉइंट करना है जब उस प्रॉपर्टी के लिए आप कमीशन अपॉइंट करेंगे तो अब अगर हमारे जूरिस्टिक्शन में वो प्रॉपर्टी होती तब तो हम कोर्ट कमिश्नर अगर अपॉइंट करते तो हमारा ही कमिश्नर होता हमारे ही ज्यूरिस्टिक्शन में जाता सब कुछ इंस्पेक्ट करता लेके हमको दे देता लेकिन मान लीजिए हमको दूसरे राज्य में कराना है दूसरे राज्य में क्योंकि प्रॉपर्टी वहां पर स्थित है तो अब कमीशन कैसे अपॉइंट किया जाएगा तो अब कमीशन जो है उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा उस कोर्ट को जैसे मान लीजिए यूपी का मामला है और बिहार में कमीशन भेजना है तो उस बिहार के कोर्ट को कमीशन भेज दिया जाएगा तो वो कोर्ट है वो कमीशन अपॉइंट करेगी वो जो प्रॉपर्टी जहां पे उसके जो रिस्ट्रिक्शन में है वहां पे जाकर के मौका मुआयना कराना है जो भी होगा जो भी जितना हम लोगों ने इनोमेशन देखा था ये सारे में से कोई भी अगर मामला है एग्जामिन भी करना है पार्टीशन करना है कुछ भी तो वो कोर्ट करवाएगी करवा करके रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और इस न्यायालय को भेज देगी तो कमीशन अगर दूसरे राज्य में देना है अन्य न्यायालयों को कमीशन देना है तो इस तरीके से हो जाता है इसका ये प्रोसीजर है कोर्ट टू कोर्ट जाता है क्योंकि ये कोर्ट दूसरे के जो में और दूसरे राज्य में नहीं भेजती है तो इसके लिए हमारे पास है धारा छिहत्तर आगे आप देखेंगे धारा सतहत्तर अनुरोध पत्र अनुरोध पत्र ध्यान दीजिए। वो बंदा जो भारत में नहीं रहता है वो बंदा जो भारत के बाहर रहता है उसको कमीशन न भेज करके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है अनुरोध पत्र जाता है क्योंकि वो बंदा रिजाइड इन अनदर अनदर कंट्री तो अब वहां पे उस उस देश को भेजना पड़ेगा उस देश के न्यायालय को भेजना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी कंट्री भी नहीं है कमीशन को वो भेजेंगे जा करके उससे इंट्रोगेटरीज भेजेंगे उसको एग्जामिन करेंगे और या लोकल इंस्पेक्शन करेंगे तो उनका पैसा भी लगेगा टाइम भी लगेगा तो इसके लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं उस कोर्ट को जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कोर्ट अकॉर्डिंगली ऐसे मानती है जैसे उसी का समन है और प्रोसीजर सब यही लगता है फिर वो अपना कमीशन पूरा कराती है रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और पे दे देती है लेकिन इसको कमीशन बोल करके धारा में हम इसको अनुरोध पत्र बोलते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू तो एग्जामिन पर्सन इन एन कंट्री ठीक है ना तो ये है धारा सतहत्तर अब आगे आप देखेंगे आपके पास है विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए समन धारा अठहत्तर विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए समन धारा अठहत्तर ध्यान दीजिए विदेशी न्यायालय आपको भी कमीशन भेज सकती है अभी तक आपने देखा कि हमारी न्यायालय के वन कमीशन भेज रही है चाहे तो अपने जुडिसडिक्शन में चाहे आउटसाइड जुडिसडिक्शन में चाहे इवन बंदा जो देश के बाहर रहता है उसको भी धारा पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर में आपने देखा ये सारा पावर हम अपने कोर्ट को देख रहे थे हमारी कोर्ट कैसे कमीशन निकालेगी और कैसे इससे प्रक्रिया पूरा कराएगी जो लास्ट वाला सेक्शन है धारा अठहत्तर ये बात बोलता है कि फॉरेन कोर्ट का जब कमीशन हमारे यहाँ आएगा तो क्या होगा और कौन ऐसी कोर्ट है जो हमारे कोर्ट को भी कमीशन भेज सकती है तो जैसे मान लीजिए इसमें दो तीन लिस्ट है पहली ये लिस्ट है कि वो सारी न्यायालय जहां पे हालांकि के अंदर है लेकिन उस पर सीपीसी का विस्तार नहीं है सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है वहां पर जैसे मान लीजिए ट्राइबल एरिया नागालैंड ये ऐसी एरिया है जहां पर सीपीसी का विस्तार नहीं है तो अगर वो कोर्ट कमीशन भेजती है हमारे इंडिया के कोर्ट को तो जब कोर्ट को भेजती है तो ऐसे माना जाएगा जैसे विदेशी न्यायालय का कमीशन है विदेशी न्यायालय का कमीशन है और हमारी कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी रिपोर्ट तैयार करेगी और नागालैंड और ट्राइबल एरिया को भेज देगी तो ये एक कैटेगरी की कोर्ट है नागालैंड और ट्राइबल एरिया जहां पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन तो 2019 के बाद जब से 370 का एव्रोगेशन हुआ तब से सारे कानून जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए तो अब जम्मू कश्मीर नहीं है नहीं तो पहले धारा एक में ही लिखा होता था सीपीसी में कि इट्स एल हैव एक्सटेंशन ओवर इंटायर इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया तो अभी हट गया है कि नहीं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी जम्मू कश्मीर की कोई बात नहीं है लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरिया जहाँ पे इसकी अपलिकेकेबिलिटी नहीं है वहाँ की न्यायालय यहाँ कमीशन भेज सकती है जब भेजेगी तो हमारी कोर्ट उस कमीशन को एग्जीक्यूट करेगी और फिर उनको भेज देगी ठीक है ये एक कैटेगरी की कोर्ट है दूसरी एक कोर्ट है ऐसा कोर्ट जो विदेश में स्थित है लेकिन वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश है मान लीजिए कोई कोर्ट है जो अमेरिका में है वाशिंगटन में है लेकिन उस कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है तो वो भी कमीशन भेज सकती है भारत के न्यायालयों को क्योंकि वो टेक्निकली स्पीकिंग वो विदेश में स्थित है लेकिन वो विदेशी कोर्ट है नहीं वो अपनी कोर्ट है डोमेस्टिक कोर्ट है हालांकि उसका टेरिटोरियल रेजिडेंस जो है वो दूसरे देश में है लेकिन उसको स्टेब्लिश कौन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए उसको हम मानेंगे वो हमारी कोर्ट है लेकिन वो चूंकि दूसरे जो में है तो वहां से कमीशन वो हमारे अदालत को भेजेगी हमारी जब अदालतों को भेजेगी हमारी अदालत तो उस कमीशन को देखेगी देख करके उसको एग्जीक्यूट कराएगी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उनको रिसेंड कर देगी तो ये दूसरी कैटेगरी की कोर्ट है तीसरी कैटेगरी की कोर्ट ये है जो प्योरली फॉरन कोर्ट है फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन धारा दो पांच धारा दो छह सीपीसी में दिया गया है फॉरेन कोर्ट कौन है तो फॉरेन कोर्ट का मतलब कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच आर नॉट स्टेबलिश वाई दथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप ये डेफिनेशन देखेंगे तो सीपीसी में लिखा हुआ है मैंने वह न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेब्लिश नहीं है ऐसे न्यायालय को हम कहते हैं विदेशी न्यायालय है। मैंने प्योरली विदेशी जैसे मान ली अमेरिका के सिविल कोर्ट तो अमेरिका के सिविल कोर्ट हमारे लिए क्या है प्योरली विदेशी न्यायालय है तो ये विदेशी न्यायालय भी कमीशन हमारे यहां भेज सकती है कोई जरूरी नहीं है कि केवल नागालैंड ट्राइबल एरिया की भेजेगी केवल वही कोर्ट भेजेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ने स्टेब्लिश किया है जो कंट्री के बाहर है नहीं तीसरी कैटेगरी की कोर्ट है प्योरली फॉरेन कोर्ट चाइना की सिविल कोर्ट है पाकिस्तान की सिविल कोर्ट है अमेरिका की सिविल कोर्ट है या और किसी कंट्री श्रीलंका के सिविल कोर्ट है उसको अगर कोई चीज आपके यहां एग्जामिन करना है कोई लोकल इंस्पेक्शन करना है तो वो भी कमीशन भारत के न्यायालय को भेज देगी भारत के न्यायालय उसको एग्जीक्यूट करेगी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और जैसे ये भेजते हैं और इनको आता है वैसे ये करा के दूसरे को भी देंगे रेसिप्रोसिटी एज बिन प्रोसीजर तो रेसिप्रोसिटी है चूंकि आप भेजते हैं तो आपका आता है ना तो जब उसका आया है तो आप भी उसका कर दो तो ये है धारा अठहत्तर लास्ट धारा जिसमें ये बात लिखी हुई है तो तीन कैटेगरी की कोर्ट हैं जिनको हम फॉरेन कोर्ट मानते हैं यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग और उनसे अगर कमीशन आएगा तो हमारी कोर्ट बाद दे कौन तीन कैटेगरी की पहली जहाँ पे सीपीसी का विस्तार नहीं है दूसरी जो दूसरे राज्य के टेरिटरी में है लेकिन भारत के न्यायालय भारत के सरकार के द्वारा स्टेब्लिश है और तीसरी ऐसी है जो भारत के राज्य क्षेत्र में भी नहीं है भारत के सरकार के द्वारा भी स्टेब्लिश नहीं है लेकिन वो बाहर है तो प्योरली फॉरन कोर्ट है उसका भी कमीशन आएगा तो उसके भी कमीशन को हमारी कोर्ट एग्जामिन करेगी रिपोर्ट प्रिपेयर करके उनको सबमिट कर देगी तो इस तरीके से धारा पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर ये चारों धाराओं को हम लोगों ने देख लिया और आर्डर 26 को भी आदेश 26 को भी हम लोगों ने इस धारा पचहत्तर पढ़ते समय तमाम रूल को देख लिया रूल एक से आठ टू एग्जामिन पर्सन रूल नौ दस फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन रूल ग्यारह और बारह टू एडजस्ट अकाउंट रूल तेरह और चौदह टू मेक पार्टीशन रूल दस सी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन रूल दस ए टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल डिके एंड रूल दस बी फॉर मिनिस्टीरियल एक्ट तो ये सारा हम लोगों ने देखा हुआ था ये सारे भी प्रावधान है तो हम लोगों ने आर्डर 26 के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे उनको भी देख लिया हम लोगों ने सारे जो कमीशन से संबंधित सेक्शन थे पचहत्तर से अठहत्तर तक इसको भी हम लोगों ने देख लिया तो एक तरीके से सारे इंस्टीट्यूटरी प्रोविजन हम लोगों ने कवर अप कर लिया अब अगर अगली स्लाइड की आप बात करेंगे तो अगली स्ला, स्लाइड में प्रक्रिया है जिसमें धारा जिसमें आदेश छब्बीस की बात है हालांकि इस आदेश छब्बीस को अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कर लिया देखिए सारे रूल हमने यहीं पे आपको बता दिया धारा पचहत्तर के समय तो इसमें हम लोगों को रूल एक से आठ पहला ग्रुप था रूल नौ और दस दूसरा ग्रुप था रूल ग्यारह और बारह तीसरा ग्रुप था रूल तेरह और चौदह चौथा ग्रुप था रूल दस ए दस बी और दस सी ये तीसरा ग्रुप था तो इतने सारे रूल्स को हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही देख लिया था धारा पचहत्तर के साथ तो ये है आपका प्रक्रिया आर्डर छब्बीस का प्रक्रिया है जिसमें कैसे आप कमीशन को भेजेंगे कैसे एग्जामिन करेंगे कैसे रिपोर्ट अपने पास मंगवाएंगे किस मामले में कब भेजेंगे ये सब वहां पे दिया गया है तो एक तरीके से हम लोगों ने सारे स्टेच्यूटरी प्रावधान को देख लिया और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि एंटरिम परि एंटरिम आर्डर फैमिली का एक मेंबर है कमीशन तो कमीशन का बड़ा हम लोगों ने बृहद व्याख्या किया हालांकि और जो एंटरिम आर्डर थे उसको भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी सारे एंटरिम आर्डर्स इसमें हैं तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया अब इसमें मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाता हूं ध्यान दीजिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि आखिर ये कमीशन या एंट्री आर्डर ये जो सारे लिखे हुए हैं सीपीसी में इसके पीछे जुरू स्टूडेंट्स क्या है इसके पीछे विधि शास्त्र क्या है तो इसको ध्यान से थोड़ा सा आप सुन लें देखिए क्यों सीपीसी में एंट्री आर्डर की भी बात है और फाइनल आर्डर की भी बात है क्यों ऐसा सीपीसी में है क्योंकि कोर्ट का आदेश जब फाइनल हो जाता है ना तो दरवाजा कोर्ट का बंद हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा देखा था सेम पार्टी सेम कोर्ट सेम मैटर हॉड एंड डिसाइडेड वही पार्टी वही कोर्ट वही मैटर फिर से नहीं शुरू करेंगे बार्ड बाई रेस जुडिकेटा तो रेस जुडिकेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार कर देता है इन सब चीजों को इसलिए हमारे सीपीसी में बड़ा अच्छा प्रावधान दिया गया है कि केवल फाइनल आर्डर ही ना हो हर मामले में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसमें पहले अंटरिम आर्डर हो जाए ताकि फाइनल होने के बाद तो दरवाजा बंद हो जाएगा एंटरिम के बाद तो कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा और बाद में भी बाद पार्टी आके उसको करेक्ट कराएगी अगर कुछ ऐसा है उसमें ऊपर नीचे या कुछ उल्टा सीधा या कुछ फेयर अनफेयर या कुछ जस्ट अनजस्ट होता है तो उसको कराने का चांस होगा तो ये बड़ा अच्छा सा प्रावधान है जिसमें पहले एंटरिम ऑर्डर होगा फिर फाइनल ऑर्डर होगा सक्सेसिव जस्टिस है स्टेप वाइज जस्टिस है ताकि बंदा तुरंत डिसअपॉइंटेड न हो जाए अगर कुछ गलत भी हो क्योंकि जज साहब भी जो बैठे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है उनसे भी ह्यूमन एरर हो सकता है कहते हैं ना कि जजेज आर जनरली नॉट फॉलेबल लेकिन ऐसा नहीं है कि जजेज आर ऑलवेज नॉट फॉलेबल नो जजेज आर जजेज में ऑल्सो भी फॉलेबल ठीक है ना तो ये भी फॉलेबल है क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना ह्यूमन नेचर में कहा गलती किससे हो जाए डिलीवरेटली नहीं इनएडवर्टेंटली गलती आपसे भी हो सकती है हमसे भी हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि जज की कुर्सी पे आप बैठे तो आपसे गलती ही नहीं होगी तो इसलिए जब फाइनल ऑर्डर में गलती हो जाएगी तो दरवाजा बंद हो जाएगा और पार्टी के लिए जस्टिस का डिनाइल हो जाएगा इसीलिए एंट्री आर्डर है फिर फाइनल आर्डर है तो ये कंप्लीट जस्टिस की तरफ है ये संपूर्ण न्याय की तरफ एक तरीके से सीपीसी का इंडिकेशन है कि एंट्रीम आर्डर और फाइनल आर्डर के माध्यम से पार्टी को संपूर्ण न्याय दे दिया जाए इसीलिए जो छह सात आपने इंटरिम आर्डर्स देखा इसमें ये छह सात ही नहीं है कई हैं और भी हैं क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है तो मैं सारे को नहीं लिया जो बहुत मुख्य है वो मैं आपको बताया लेकिन एंट्रीम आर्डर इसीलिए है ताकि हम कंप्लीट जस्टिस के तरफ अग्रसित हों ताकि हमारा जो कानून है वो संपूर्ण न्याय की बात करे कभी भी पार्टी अपने आप को ठगा ना महसूस करे हमेशा पार्टी को लगे कि नहीं हम विनर ही हैं हमको कोई पीड़ा नहीं है न्यायालय के आदेश से क्योंकि जानते हैं लोकतंत्र में न्यायपालिका की बहुत बृहद भूमिका है लोकतंत्र में अगर न्यायपालिका कमजोर हो जाती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है अगर आप इसको कायदे से गांधी की फिलोसफी आप कभी पढ़ेंगे मौका मिलेगा तो गांधी जी से पूछा गया जाता है जब संविधान बनने लगा और गांधी जी से पूछा गया कि नहीं लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है तो गांधी जी का एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है गांधी जी कहते हैं कि न्याय में सबका विश्वास होना चाहिए जिस दिन जनता का विश्वास न्याय से उठ जाएगा उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी ये गांधी जी का स्टेटमेंट है क्योंकि लोगों से हम क्यों, हम, क्यों है? हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता अगर कोई लेगा ना तो हम कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल कर देंगे और हम जीत जाएंगे न्यायालय न्यायालय है ना हम में जाकर सूट फाइल कर देंगे ऐसा कैसे आपकी हिम्मत है आप ऐसा कर देंगे ये हम क्यों कहते हैं क्योंकि न्यायपालिका पे हमको विश्वास है हमको स्टेट पे विश्वास है हम जानते हैं हमारे राइट लिबर्टी और प्रॉपर्टी को स्टेट प्रोटेक्ट करेगा थ्रो जुडिशियल डिसीजन तब हम ऐसा कहते हैं तो हमारे पास बड़ा दम से हम कहते हैं इस बात को और तब स्टेट के अंदर हमारा फेथ है तब कानून के अंदर हमारा फेथ है रूल रेगुलेशन में हमारा फेथ है हमारी आस्था जुड़ी हुई है लेकिन ऐसा लगेगा कि न्यायपालिका भी बिकी हुई है यह भी किसी दूसरे को ही डिसाइड कर देगी तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा हमको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा मैं हथियार उठा लूंगा और जब हथियार उठाऊंगा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टेट का वो कोलेप्स कर जाएगा इसलिए संपूर्ण न्याय होनी चाहिए और सारे कानून का जो फंडामेंटल होना चाहिए और संपूर्ण न्याय पे बेस्ड होना चाहिए तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें और कानून की मैं बात नहीं करता हूं तो हमारे यहां संपूर्ण न्याय की बात है पहले में आर्डर होगा फिर फाइनल ऑर्डर होगा और में आर्डर और फाइनल ऑर्डर के बीच में कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में आएंगे कोर्ट में आप अपनी बात रखेंगे थ्रू अप्लीकेशन और कोर्ट उसको सुधार भी करेगी तो ये संपूर्ण न्याय की तरफ और हमारा देश ऐसा है हम सम्पूर्ण न्यायवादी रहे हैं आज से नहीं अगर आप देखेंगे ना तो जस्टिस का बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट भारत में प्रिवेल करता था जहाँ संपूर्ण न्याय राजा करता था प्रजा के लिए तो बड़ा आइडियल किंग होते थे हमारे देश में जो न्याय के लिए कुछ भी कर देते थे ठीक है ना आप देखेंगे अगर अगर आप रामचरित और रामायण पढ़ेंगे तो भरत जैसा आदमी जिसको इतना बड़ा साम्राज्य मिलता था वो अपने ताज को नीचे उठा करके और अपने भाई के चप्पल और खड़ाऊ को अपने सिर पे रख लिया आप उस देश के रहने वाले हैं जहां पे सब कुछ अर्थ ही नहीं है न्याय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नैतिकता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तो ये न्याय का देश है इसलिए इसमें सीपीसी का जो प्रोसीजर है इस तरीके का न्याय है इसमें ताकि कोई भी अपने आप को एक और ठगा ना महसूस करे इसलिए पहले एंट्री मार्डर होगा फिर फाइनल आर्डर होगा तो एक कमीशन भी एक तरीके से एंट्री मार्डर का फैमिली मेंबर है ये बताता है कि भाई अगर जज साहब को नहीं समझ में आ रहा है तो लेट इट बी ऑन पॉज और इसको रोकिए थोड़ी देर के लिए लेट दिस मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी तो एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट कर दीजिए वो जाकर के इन्वेस्टिगेट करके आगे रिपोर्ट सबमिट करे तब डिसाइड करिए नहीं तो आप डिसाइड कर देंगे तो मामला तो अंत हो जाएगा तो कमिश्नर अपॉइंट करिए जाकर इन्वेस्टिगेट करने दीजिए अगर कमिश्नर गलत रिपोर्ट देता है तो आप बाध्य भी नहीं है आप फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं कहने का मतलब स्टेप क्रिएट किया गया है जिससे कंप्लीट जस्टिस हो सके तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इसका जुलूस है इसके पीछे अब ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या देखा आज हम लोगों ने देखा

सेक्शन छिहत्तर में अन्य राज्यों को कमीशन इशू हो सकता है सेक्शन सतहत्तर में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू हो सकता है अगर उस बंदे को एग्जामिन करना है जो विदेश में रहता है और सेक्शन अठहत्तर में विदेशी न्यायालयों को अगर कमीशन हमारे पास आता है तो उस कमीशन को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी प्रक्रिया बताई गई है तो इस तरीके से कमीशन का पूरा ही बृहद रूप से हम लोगों ने व्याख्या किया यहाँ पर कमीशन का क्या प्ररूप है क्या प्रक्रिया है कैसे इशू होगी और इसके क्या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे ये सब हम लोगों ने देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक पे मैं आप तक पहुंच गया हूंगा और आपको मैं बता दिया होगा कि इस टॉपिक में क्या है मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके इस पेशेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं तो सभी लोगों को धन्यवाद नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.